तो हम लोग ने कनेक्ट कर लिया कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये वेव्स की तरह चल सकते हैं, और अगर वो फ्री स्पेस में जहाँ चार्ज नहीं है, रो नहीं है, जे नहीं है, वहाँ अगर वो वेव के रूप में चलें तो उनकी स्पीड जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसलिए हमें तुरंत पता चल गया कि जो लाइट है वो लाइट वस्तुतः इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये वैरी करते हैं। वेव क्वांटिटी वो है, उसको लिखना है एक्स और टी में, के एक्स माइनस ओमेगा टी में, उसको लिखना है, ई और बी को लिखना है। अब कुछ छोटी सी एक प्रॉपर्टी मैं करूँगा, बाकी आप कर लीजिएगा। देखिए, एक डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर ज़ीरो, इन्हीं सब से तो लेके आए थे ना हम लोग, वो वेव का इक्वेशन कहाँ से लेके आए थे, इन्हीं सब से लेके आए थे। कर्ल ऑफ बी बराबर है ना, फ्री स्पेस, रो नहीं है, जे नहीं है, करंट नहीं है, चार्ज नहीं है, फ्री स्पेस है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, और वह चल रहे। तो ये हमारे चार इक्वेशंस थे, इन्हीं में से कुछ अलजेब्रा करके वेव इक्वेशन बना था डिफरेंशियल, फिर उसी से हमने आगे कहानी की थी। तो यानी इसको तो पालन सबको करना है ना, इसी में से तो वो निकल करके आया वेव इक्वेशन। तो आप सोचिए, वेव है, किसी एक डायरेक्शन में चल रही होगी, उस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस कह दें, चॉइस तो मेरी होती है, और हम एक सिंपल वाला लेके चलेंगे, साइन वाला, बाकी कुछ टेढ़े मेढ़े होंगे तो इससे अपना बनते रहेंगे। तो हमने एक इक्वेशन बनाया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इधर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी हमने ये कमिट किया कि जिस तरफ वेव चल रही है उधर ही हमने एक्स एक्सिस अपना चूज किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस उधर ही चूज किया है, जिसका मेरे को पूर्ण अधिकार है। एक्स एक्सिस चूज करना तो मेरा अधिकार होता है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां क्या लिखना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाने भाई, ऑफकोर्स एक्स पे डिपेंडेंस, टी पे डिपेंडेंस यही है, यहां नहीं है, कांस्टेंट होना है, लेकिन वो कांस्टेंट किस दिशा में होना है, क्या होना है, हमने एक बार एक्स एक्सिस तो चुन लिया, बार बार थोड़ी हम कहेंगे कि इसको वाई ले लो, वो भी कह सकते हैं, लेकिन चलो ऐसा करके देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो अगर हम एक्स कंपोनेंट कहें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका तो नहीं लोगे ना एक्स कंपोनेंट, इसी का लोगे ना, ये तो नंबर है, तो ये इसको इसका एक्स कंपोनेंट मान लीजिए हो गया ई जीरो एक्स, ऐसा लिखते हैं, कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंडेंस नहीं है, ये कांस्टेंट वेक्टर है, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई वाई और ई जेड ठीक है, बिल्कुल जो पहला वेक्टर का पहला पार्ट होता है उसमें रहता है, एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट लेना है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही काम कर रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट लेना है, जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट लेना है, तो जो भी कॉस अल्फा कॉस बीटा वगैरह से गुणा करके आएगा वो यहाँ लिख दिया हमने, इसका इस्तेमाल करिए। व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई, क्या था ये याद है, यही था ना, इसी का नाम है डाइवर्जेंस ऑफ ई, एक्स कंपोनेंट को एक्स में डिफरेंशिएट करो, वाई कंपोनेंट को वाई में करो, जेड कंपोनेंट को जेड में करो, जोड़ दो एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट ये वाला निकाल रहे पहले, एक्स ई का एक्स कंपोनेंट उसको एक्स में डिफरेंशिएट करना है, इसको एक्स में डिफरेंशिएट करना है, क्या लिखे, के इधर से के आएगा, ये रहेगा कॉन्स्टेंट है, ये रहेगा, इसके बाद इसका कॉस हो जाएगा, हो गया ना, ये वाला काम हो गया ना, ई एक्स को देखा उसको एक्स में डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स केवल यहीं पर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, और एक्स का चूंकि के से मल्टीप्लाइड है तो वो के बाहर यहाँ लिखा गया, और ये कांस्टेंट से गुना है तो वो यहाँ रह गया, ऐसा बना, प्लस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा वाई, यह है ई वाई,
ये, इसको y में डिफरेंशिएट करना है, क्या आएगा? जीरो हो जाएगा, कोई चीज़ y पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, जीरो हो गया। प्लस ये भी जीरो हो गया, कोई चीज़ z पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, डिफरेंशिएट किसको करेंगे? तो यानी कि ऐसा हो गया, और इसको होना चाहिए जीरो, यानी इसको होना चाहिए जीरो। अब ये के एक्स माइनस ओमेगा टी तो बदलते रहेंगे ना, हम कहाँ x लिया मेरी मर्जी, कौन से टाइम पे पूछ रहे हैं मेरी मर्जी, तो इसको तो जीरो कर नहीं सकते, इसको जीरो कर नहीं सकते, किसको जीरो करेंगे? हाँ जी, हाँ नहीं, वो जीरो हो सकता है, लेकिन वो क्यों जीरो नहीं हो सकता है ये बताओ, वो जीरो ही क्यों हो? कुछ खास टाइम पे, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ ई को जीरो कुछ कुछ खास टाइम पर नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये जो ऊपर जो चार इक्वेशन लिखे हुए हैं वो शाश्वत इक्वेशन है ना, सर्वव्यापी इक्वेशन है, वो हर परिस्थिति के अंदर में सार्वकालिक, किसी भी समय किसी भी स्थान पर डाइवर्जेंस ऑफ ई फ्री स्पेस है, रो नहीं है, जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो, कर्ल ऑफ ई माइनस डेल बी डेल टी, कर्ल ऑफ बी म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई डेल टी, किसी दोनों में से कोई टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों टाइप में से कोई भी, हाँ वो नहीं नहीं फ्री स्पेस केवल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, फ्री स्पेस अगर है तो कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको लागू होना ही है। हमने क्या किया, जो मेरे मूल चार मैक्सवेल इक्वेशन थे उसमें रो को जीरो रख दिया है, जे को जीरो रख दिया है, तो वो हर टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हर टाइप के मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो ट्रू है। रो जे को जीरो करने से मेरे को ये वेव बनी है वेव बनी है। तो जब हम वेव की बात कर रहे हैं फ्री स्पेस के अंदर में, वैक्यूम में वेव चल रही है, तो वैसी हालत में हमें ये वाले सब, ये दोनों जीरो रख दिए और जे को उधर जीरो रख दिया, ये हर समय डाइवर्जेंस ऑफ ई को इस वेव में हर समय जीरो होना है और हर जगह जीरो होना है। तो कहीं एक जगह जीरो हो गया, कहीं एक जगह जीरो नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। हर जगह जीरो करने के लिए मेरे को इस ई नॉट एक्स को ही जीरो बनाना पड़ेगा। हाँ वहाँ पर है जीरो, तो ये अगर जीरो है और ये भी जीरो है तो क्या दिक्कत है भाई, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, जीरो को जीरो से भाग नहीं दे सकते हो, जीरो को जीरो से गुना तो कर ही सकते हो, उसमें तो गणितज्ञों ने मना किया नहीं कुछ है? ये जीरो के साथ में जो ऑपरेशंस है, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, जीरो को जोड़ना, जीरो को घटाना, जीरो में से घटाना, जीरो से गुणा करना, ये सब भारतवर्ष में पहली बार, विश्व में पहली बार भारतवर्ष में हुआ, और भारतवर्ष में पहली बार ब्रह्मगुप्त ने किया। ओके, आर्यभट्ट के कुछ 300-400 साल बाद ब्रह्मगुप्त ने ये काम किया। उन्होंने जीरो को एक संख्या के रूप में सम्मान दिया, उसके पहले जीरो जो था वो एक संख्या के रूप में कभी नहीं लिया जाता था, कुछ नहीं के रूप में लिया जाता था, और उसका दूसरा उपयोग था कि अगर आप संख्याएं लिख रहे हैं तो जीरो बताता था कि आप 1 लाख लिख रहे हो, कि 1000 लिख रहे हो, कि 100 लिख रहे हो। 105 लिखना है तो 1 और 5 के बीच में जीरो की ज़रूरत थी, नहीं तो 15 हो जाता। तो जीरो को प्लेस वैल्यू की तरह इस्तेमाल करना ये प्रचलन में था, जीरो को प्लेस वैल्यू की तरह इस्तेमाल करना ये प्रचलन में था। इकाई वाला जीरो, दहाई वाला जीरो, बीच में जीरो है, वो जीरो था, उपयोग में था जीरो। लेकिन जीरो 1, 2, 3, 4 की तरह एक संख्या है जिसको आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, एरिथमेटिक कर सकते हो। जो सम्मानजनक स्थान 1, 2, 3, 4, 5 को है, उतना ही सम्मानजनक स्थान जीरो का भी है। ये ब्रह्मगुप्त की खोज थी आर्यभट्ट के बाद कई सौ साल बाद। आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू की तरह यूज किया है उसका, लेकिन एज ए नंबर यूज नहीं किया है, जीरो एज ए नंबर यूज नहीं किया, जीरो एज ए सिंबल यूज किया है। ब्रह्मगुप्त जी जीरो से गुणा करना, जीरो को घटाना, जीरो को जोड़ना, उन सब के लिए उन्होंने रूल दिए।
किसी संख्या में जीरो जोड़ोगे तो उतना ही रह जाएगा, जीरो घटाओगे तो उतना ही रह जाएगा, नेगेटिव नंबर्स की उन्होंने बात कर ली, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर ली लेकिन एक जगह पर चूक गए, जीरो बाई जीरो, जीरो को जीरो से भाग लगा के उन्होंने कहा जीरो होता है। यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया उनका, कि जीरो से जीरो से भाग, जीरो भाग लगाना अलाउड ही नहीं है, अर्थ ही नहीं निकलेगा, जीरो से भाग लगाना अलाउड ही नहीं है, अर्थ ही नहीं निकलेगा, अनडिफाइंड है वो जीरो। तो भास्कर उसको ब्रह्मगुप्त को वहाँ पर, क्योंकि यह मामला कैलकुलस का आ गया, जीरो बाई जीरो जो है वो कैलकुलस का मामला आ गया, अब उसमें लिमिट वगैरह लो तो उसके कुछ अर्थ निकलेंगे, तो वो कैलकुलस तो बहुत दूर था ना अभी। हाँ नहीं नहीं वो तो डिपेंड करता है ना, लिमिट लेते हो तो कुछ को कुछ निकलता रहता है। ब्रह्मगुप्त ने उसको एग्जैक्ट जीरो लिखा है वहाँ पर जहाँ उन्होंने सारे ऑपरेशंस किए। हालांकि बाद में कैलकुलस की भी सारी कल्पनाएं जो हैं वो उसके ब्रह्मगुप्त के भी कई सौ साल बाद भारत में ही ठीक तरह से विकसित हुई। कुछ कल्पनाएं तो आर्यभट्ट के समय से चल रही थी कैलकुलस की, सबने यूज़ किए हैं, भास्कराचार्य ने सबने यूज़ किए हैं, लेकिन प्रॉपर मैथमेटिक्स करके और उसका इस्तेमाल करके गोले की सतह का क्षेत्रफल निकालना और इस तरह की चीज़ें करना कैलकुलस के माध्यम से, ये भारतवर्ष में ही हुआ। न्यूटन की तथा कथित कैलकुलस की खोज से करीब 500 साल पहले। एनीवे तो वो इसलिए वो जीरो से गुना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, जीरो को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को जीरो से भाग नहीं देना। तो सब जगह अगर जीरो लाना है इसको, और ये ई जीरो नॉट, ये जो है ये यहाँ पे जो ई नॉट एक्स ई जीरो एक्स लिखा हुआ है ये तो कांस्टेंट है ना, इसको नहीं कह सकते अच्छा जहाँ ये जीरो हो चुका है यहाँ पे इसको जीरो करने का क्या जरूरत है, ये तो कांस्टेंट है, जो वैल्यू है सब जगह है, तो जीरो ही रखना पड़ेगा इसको। और इसके जीरो होने का मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, केवल उसके अंदर में वाई कंपोनेंट है और के कंपोनेंट है। क्या मतलब निकला, वेव किधर जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई जेड प्लेन में है। क्या मतलब निकला, ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज टू बी ट्रांसफर, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकती है, मैक्सवेल्स लॉ नहीं अलाउ करेंगे उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा। और इनका भी उपयोग कर लीजिए, इनका भी उपयोग कर लीजिए, क्या निकलने वाला है, इसका उपयोग करेंगे ऐसा ही काम करेंगे तो क्या निकलने वाला है, बी नॉट एक्स जीरो करना होगा और कोई उपाय नहीं है। तो बी जो है वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अब हम नहीं कर रहे हैं यहां पर, ये आप करके देखना, इसका उपयोग करो, इसका इसका उपयोग करो और ये आपको बताएगा कि B इज K आई कैप क्रॉस E बाय ओमेगा। इसका जब आप उपयोग करेंगे ऐसे ही उसको लिखिए, अब तो E और B में X कंपोनेंट लिखने का जरूरत नहीं है, केवल इसको इसको लेकर चलिए, इसका कर्ल कीजिए, है ना, इसका कर्ल कीजिए, कर्ल आपको पता है, I कैप J कैप K कैप डेल डेल X डेल डेल Y डेल डेल Z ई एक्स ई वाई और ई जेड। तो पहला टर्म आप लिखिएगा तो ये आई कैप लिखिएगा और उसके बाद ये जो है इसका और इसका डेल ई जेड बाई डेल वाई और माइनस डेल ई वाई डेल जेड, और उसके बाद फिर साइक्लिक परम्यूटेशन कर दीजिए तीनों का।
आपको ये सारे पता है, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड सब कुछ पता है। इसका ई का केवल करना है कर्ल, आपको इसी का केवल करना है, तो इसका कर्ल कीजिए और इस बी का डीडीटी कर लीजिए और फिर जरा देखिए, फिर जरा देखिए तमाशा, ये निकल के आएगा, ये आपका होमवर्क है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के तो परपेंडिकुलर थे ही, ये बी और ये ई आपस में भी परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ओके तो बी जो है जो आई पे तो परपेंडिकुलर था, वो तो पहले ही कह दिया हमने, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। ये इक्वेशन दिखाता है कि बी जो है ई पर भी परपेंडिकुलर है, और किसको किसको क्रॉस करने से क्या मिल रहा है, इसको मैं के वेक्टर लिखने वाला हूं, इसको हम के वेक्टर लिखते हैं, प्रोपगेशन वेक्टर कहते हैं। के को ई से जब क्रॉस करते हैं तो हमें बी मिलता है, ये बाई ओमेगा वगैरह लेकर के, मैं केवल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं अभी। ओके डायरेक्शन ऐसे कुछ है नहीं, ओमेगा को लिखना है खाली, के बगल में ओमेगा लिख देंगे तो फुल इक्वेशन हो जाएगा। और आप जानते हैं ना, I को अगर आप J से क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है, और J को अगर क्रॉस करते हैं K से तो क्या बनता है ना, और अगर आप K को करते हैं I से तो क्या बनता है, यानी इसको आप इसका भी साइक्लिक परम्यूटेशन कर लीजिए तो ये बनते हैं, राइट। तो जिस तरह से हमने कहा ये तीनों बन रहा है भाई, तो E को और B को क्रॉस करेंगे, E क्रॉस B तो क्या बनेगा, K बनेगा ओमेगा लग करके। जैसे आई जे का K बनता है तो जे के का I बनता है, ठीक है। तो E क्रॉस B जो है वो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताता है। दोनों वाइजेड प्लेन में है। हाँ देव शक्ति भाई, दोनों जो है ई और बी वाइजेड प्लेन में है, उनको आपस में क्रॉस कर दो, ई क्रॉस बी कर दो तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलेगा। और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट, जो एनर्जी थी वही एनर्जी फिर टी टाइम के बाद सीटी डिस्टेंस दूरी पर जानी है ना, तो जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट है वो तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये हमको एनर्जी के ट्रांसपोर्ट की दिशा देता है। और न केवल वो एनर्जी के ट्रांसपोर्ट की दिशा देता है, अगर आप इसको म्यू नॉट से भाग लगा दीजिए, ई क्रॉस बी, इसको अगर आप म्यू नॉट से भाग लगा दीजिए तो ये आपको इंटेंसिटी देती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इसको बोला जाता है पॉइंटिंग वेक्टर। हाँ हाँ राइट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब पर यूनिट एरिया कर लीजिए, पर यूनिट टाइम कर लीजिए, कितना एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई, दैट इज दिस पॉइंटिंग वेक्टर। ओके इसी को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, यस, इसका जो स्टैंडर्ड सिंपल है वो कैपिटल एस लिखा जाता है। अब आए हम, पुष्पार्चन नहीं करो, अब देखिए ये जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है उसमें ये जो डंडा है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के लिए है, जो पीली कलमें लगाई गई हैं उनमें से, और जो लाल कलमें लगाई गई हैं उनमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब फर्ज कीजिए कि ये इधर की तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इस रॉड पर भी तो लाइट ऐसे चल सकती थी या ऐसे चल सकती थी, तो फर्ज कीजिए कि आपकी तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। अब आप बताइए इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है। सर नीचे वाला, सर रेड वाला, रेड वाला, येलो वाला मैग्नेटिक फील्ड,
जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो आपकी तरफ है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ई क्रॉस बी को के होना चाहिए, ई क्रॉस बी को डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होना चाहिए। तो ई क्रॉस बी करें तो ये निकलना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इधर होता, लाइट इधर जा रही होती, यही चित्र लेके हम जाते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता और वो मैग्नेटिक फील्ड होता, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक दूसरे के सभी परपेंडिकुलर है, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब जनरली जो आप ये लाइट देख रहे हैं कमरे में या कमरे के बाहर खुले में, उसमें क्या होता है कि किसी एक खास क्षण पे अलग अलग जगहों पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना चाहें कि कहाँ किधर, तो आपको जनरली इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ इधर है तो वहाँ उधर है, तो वहाँ उधर है तो वहाँ, सभी परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, हर एक पॉइंट पे, और हर एक पॉइंट पर ई और बी आपस में भी परपेंडिकुलर है, और हर एक पॉइंट पर ई क्रॉस बी जो है उसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में होना भी चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली यहाँ वहाँ, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, और एक ही जगह पर। और ये डिस्टेंस इसमें हमने मॉडल में इतना बड़ा बड़ा दिखाया, 10-10 सेंटीमीटर का, हम लोग माइक्रोमीटर में बात करेंगे, 0.6 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, ये सब वेवलेंथ हैं, वो मेरा स्केल है। जब भी कोई लेंथ की बात करेंगे तो उसके उस स्केल में बात करेंगे, माइक्रोमीटर और उसके नीचे उस स्केल में हम लोग बात करेंगे। तो ये डिस्टेंसेस जो है वो आप सोच लीजिए कि माइक्रोमीटर्स वाले डिस्टेंस हैं ये। और एक किसी खास पॉइंट पर अगर आप कंसंट्रेट करें तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अभी ऐसे हो जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा, रैंडमली चेंज करेगा, ये भी रैंडमली चेंज करेगा, ये भी रैंडमली चेंज करेगा। ऐसी ही लाइट हमारे साधारणतः बल्ब से, मोमबत्ती से, लालटेन से, ट्यूबलाइट से, तरह तरह के जो टॉर्च आते हैं उनसे उत्पन्न होती है। आग जलाते हैं उससे, मोमबत्ती या फायर, या जो सूरज से रोशनी आती है, वो सब जो हैं अमूमन इसी प्रकार की हुआ करती हैं। उसको कहते हैं अनपोलराइज्ड, ठीक है, उसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। और कभी कभी प्रकृति और कभी कभी मनुष्य ऐसा काम करता है कि वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देता है। और पोलराइज्ड का मतलब है, हम संक्षेप में पोलराइज बोल रहे हैं, इसको हम लीनियरली पोलराइज्ड, ऐसा नाम है इसका, और इसी का नाम है प्लेन पोलराइज्ड। तो हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं। और उसका मतलब क्या हुआ पहले ये देख लीजिए, उसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, और किसी समय पे आप देखते हैं तो हर एक जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही दिखाई पड़ता है, पोलराइज हो गया। हाँ, ये पोलराइज्ड लाइट है, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं पर, यहाँ 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 कहीं पर आप एक स्नैपशॉट लिया आपने, तो आपने पाया अच्छा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन है। ओके, मैग्नीट्यूड बदलेगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक खास टाइम पे देखिएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक खास टाइम पे देखिएगा तो मैग्नीट्यूड बदलेगा, लेकिन उसके आगे जो वेक्टर लिखे थे ई जीरो के ऊपर वेक्टर, डायरेक्शन वहाँ से मिल रहा है। मैग्नीट्यूड में साइन अपना खेल कर रहा है, कभी 1/2 ला रहा है, कभी 1/3 ला रहा है, कभी 1/4 ला रहा है, कभी माइनस में जा रहा है, वो खेल कर रहा है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगा बढ़ेगा, लेकिन इसी में घटेगा बढ़ेगा, इधर नहीं आने वाला है, उधर नहीं जाने वाला है। ओके, ऊपर और नीचे भी, हाँ ऊपर और नीचे, माइनस भी होता है, साइन का मान माइनस नेगेटिव भी होता है, तो ये कभी जीरो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड,
कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, इधर एक मैक्सिमम तक जाएगा, इधर एक मैक्सिमम तक जाएगा, ओके लेकिन इसी लाइन पे हमेशा रहेगा। अनपोलराइज होता तो अभी ऐसे है, थोड़ी देर बाद ऐसे भी नज़र आ सकता था, ऐसे भी नज़र आ सकता था। इसको कहते हैं लीनियरली पोलराइज लाइट, एक लाइन पे। सभी जगह एक साथ एक ही टाइम का पिक्चर है ये, ओके और कहीं भी, ये नहीं कि एक एक वेवलेंथ के पर हम ले रहे हैं, कहीं पर भी आप लीजिएगा, हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। ये मैग्नीट्यूड छोटे बड़े होंगे एक्स के अनुसार, कभी नीचे भी हो सकते हैं लेकिन लाइन वही रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव लाइन वही रहेगी। अनपोलराइज लाइट है तो उसमें क्या कहते हैं, स्पेस में भी अगर हम देखें किसी एक पर्टिकुलर टाइम, हाँ तो सारे रैंडम, और अगर किसी एक को भी मैं देखूं, हाँ रैंडमली फ्लैक्चुएट, हाँ तो वो भी रैंडमली फ्लैक्चुएट, करेक्ट, वेरी करेक्ट, यस। और अगर सर पोलराइज कर दिया, हाँ तो स्पेस और टाइम दोनों में, हाँ हाँ तो वो किसी, हाँ, एक टाइम पे हम सबको देखें सारे एक डायरेक्शन, हाँ और अगर मैं, हाँ अलग अलग टाइम पे किसी एक को ही देखें, हाँ तो वो वहीं पे ही रहेगा, वहीं पे रहेगा, मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा लेकिन रहेगा उसी लाइन पे, उसी लाइन पे, तो वो स्पेस और टाइम दोनों। तो ये है पोलराइज लाइट का और अनपोलराइज लाइट का फर्क।